Good morning, everybody. Today we are starting with the book Fleming of 12th class. Firstly, we'll do poetry section of this book. Our first poem is My Mother at 66 by Kamala Das. Before reading the poem, I would like to tell you something about Kamala Das, that she was born in Malabar, Kerala. केरला में उनका बर्थ हुआ था, मालाबार में. और अपनी वर्क की ओरिजिनलिटी के लिए वो जानी जाती थी. और जो मेन चीज है उनके बारे में आपने ध्यान रखना है कि उनका एक और नाम था माधवी कुटे, जिस नाम से वो अदर पोइम्स अदर लैंग्वेजेस में भी लिखती थी. लेट्स स्टार्ट विद द पोइम. बिफोर यू रीड Before reading, let's discuss about this line. Aging is a natural process. Have you ever thought what your elderly parents expect from us? Aging, age का बढ़ना क्या है? एक natural process है. हम सबको पता है कि पहले childhood से हम लोग young age में आएंगे, young age से हम लोग old age में जाएंगे. लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आपके जो पेरेंट्स है वो आपसे क्या उम्मीद करते हैं? थिंक अबाउट इट इफ यू कैन. थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स की हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो हमसे क्या उम्मीद रखते हैं, ताकि हम उस चीज को पूरा कर सकें. लेट्स रीड द पॉइंट. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी. कमला दास वॉज ड्राइविंग. Kamala Das was going from her parents' home. अपने parents के home से वो coaching की तरफ जा रही थी last Friday morning को. और उन्होंने क्या देखा कि उनकी जो mother है वो उनके जो साथ बैठी है beside me. Beside preposition meaning is here one side of. साथ में बैठना, बगल में बैठना किसी के. तो उनकी mother उनके साथ बैठी थी. Jaws open mouth, her face ashen like that of corpse. And realized with pain, उनकी मदर ऊंग रही थी, डोज, हाफ इन स्लीप एंड हाफ अवेक, थोड़ा जगना और थोड़ा सोना. तो वो ऊंग रही थी उनकी मदर उनके साथ बैठकर. ओपन माउथ, उनका मुंह जो है वो खुला हुआ था. हर फेस एशन, उस मदर का फेस कैसा था? एशन, एशन, एश, वी नो एश का मतलब वैसे राख होता है, बट हियर मीनिंग ऑफ वर्ड एशन इज गिवन. इट मीन्स It is very pale. It is without color. तो उनका फेस, उन मदर का फेस जो है एशन था, येलो था, पेल था. उसमें कोई भी जो है वो स्पिरिट नहीं थी, कोई लाइफ नहीं थी. लाइक दैट ऑफ कॉप्स, जैसे वो किसका किसका फेस है, किसकी बॉडी है? एक कॉप्स, एक डेड बॉडी है किसी ह्यूमन बींग की. एंड रियलाइज विद पेन, और उसके साथ ही वो पोइटेस एक पेन रियलाइज करती है. और अपनी मदर की तरफ देखते ही उनको एक पेन रियलाइज होता है. दैट शी थॉट अवे, लेकिन वो जैसे ही उस पेन के बारे में सोचती है, उनके बारे में सोचना शुरू करती है. एंड लुक बट सून, लेकिन साथ ही उन्होंने क्या किया, जल्दी से ही पुट दैट थॉट अवे, उस विचार को दूर कर दिया खुद से. अपनी मदर को देख के उनको दुख होता है, पेन होता है, और अब उस थॉट को वो अपने आप से एकदम दूर कर देती है. एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, कहाँ देखना शुरू कर देती है, आउट ऑफ द विंडो, जिस व्हीकल में वो बैठी है उसमें से बाहर देखना शुरू कर देती है. वहां उन्हें क्या दिखता है, ट्रीज स्प्रिंटिंग, एज ट्रीज वर स्प्रिंटिंग, ट्रीज वर रनिंग. एज वी यूज टू गो समवेयर इन अ व्हीकल, दैट टाइम वी सी, व्हेन वी सी आउटसाइड, It seems that trees were moving very fast towards us, but it is in fact a vehicle which is moving. Vehicle move करता है ना कि trees move करते हैं. लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहर देखा, एकदम उनको लगा जैसे trees उनके तरफ आ रहे हैं, trees जो है वो move कर रहे हैं. The merry children spilling, और उसके साथ ही क्या देखा, merry happy children spilling in a large amount of, बहुत सारे बच्चे out of their homes, खुश होकर वो अपने घरों से बाहर निकलते हैं. बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, जैसे ही एयरपोर्ट में जो भी फॉर्मेलिटीज है सिक्योरिटी चेक की, जैसे ही वो कम्प्लीट होती है, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, थोड़ा डिस्टेंस पे खड़े होकर, थोड़े से यार्ड्स की दूरी पर खड़े होकर, अवे
दूर थोड़ा सा दूर यार्ड की डिस्टेंस पे खड़े होके आई लुक्ड अगेन एट हर वेन पेल. वो फिर से अपनी मदर की तरफ देखती हैं. उनका हर वेन, उनका कैसा चेहरा है, वेन इज येलो हेयर पेल विच इज कलरलेस पेल. तो उनका जो चेहरा है वो बिल्कुल कलरलेस है. एज लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक. उन्होंने किससे कंपैरिजन किया है, ये देखिए हमारी सिमिली है, अगर आपने पोएटिक डिवाइसेस पढ़ी हैं, एज लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक. एक मीन्स पेल हेयर. वो अपने मदर के फेस को विंटर्स मून से कंपेयर करती है, लेट विंटर्स मून से कंपेयर करती है, क्योंकि जैसे लेट विंटर्स मून होता है बिल्कुल कलरलेस, वैसे ही उसकी मदर का फेस भी है बिल्कुल बिना किसी लाइट के. और उनको वो बचपन वाला कुछ एक पेन, एक रियलाइज होता है, माई चाइल्डहुड्स फियर. जैसा कि बचपन में होता है, एज वी ऑल नो दैट वेन एवर वी गो एट होम वी वॉन्ट टू सी अवर मदर. हम लोग सब अपनी माँ को देखना चाहते हैं अपने घर पे. तो वही जैसे कभी शायद बचपन में ऐसा हुआ होगा दैट शी वॉज नॉट एबल टू मीट हर मदर, शायद कभी उनको अपनी मम्मी घर पे नहीं दिखी होगी, तो वही उनको चाइल्डहुड वाला पेन वो दोबारा हो गया. उनको महसूस हुआ कि मुझे वही बचपन वाला पेन दोबारा महसूस हुआ. बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन मैंने सिर्फ क्या किया, शी हैज कंट्रोल्ड हर ऑल इमोशंस, सी यू सून अम्मा. और क्या कहा, मैं आपसे फिर जल्दी ही मिलूंगी. इट्स अ वेरी इमोशनल एंड रियल पोएम. ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. और सिर्फ उन्होंने क्या कहा अपनी मदर को कि मैं आपसे दोबारा जल्दी ही मिलूंगी, और मुस्कुराते हुए चली गई. और उन्होंने क्या किया, सिर्फ उनकी तरफ मुस्कुराया, उनकी तरफ मुस्कुराया और उनकी तरफ मुस्कुराया, सिर्फ उन्होंने यही किया. लेट्स डिस्कस अबाउट दीज वर्ड्स. स्प्रिंटिंग मीन्स शॉर्ट फास्ट फेस रनिंग. दिस वर्ड वी हैव डन जस्ट नाउ एग्जाम्पल ऑफ स्प्रिंटिंग ट्रीज. ये वर्ड ट्रीज के लिए यूज किया था. वेन मीन्स कलरलेस हेयर. हर फेस वॉज विदाउट कलर. नेक्स्ट इज अवर थिंक इट आउट. लेट्स डिस्कस दीज क्वेश्चन आंसर. फर्स्टली आई वुड लाइक टू डिस्कस दिस पैराग्राफ विद यू. नोटिस दैट द होल पोएम इज इन अ सिंगल सेंटेंस पंक्चुएटेड बाय कॉमास. पूरे पोएम में हमने देखा है कि कहीं पे भी जो है वो सिंगल सेंटेंस नहीं है, सिर्फ पंक्चुएशन या कॉमास के थ्रू उसको जो है वो हाईलाइट किया हुआ है, और हम कह सकते हैं उसको ब्रेक किया है बीच में वर्ड मीनिंग्स के लिए या इम्पोर्टेंस बताने के लिए. इट इंडिकेट्स अ सिंगल थ्रेड ऑफ थॉट. देखिए ये सिंगल थ्रेड ऑफ थॉट, ये मेन जो आइडिया है वो क्या है, इमोशंस बिटवीन अ मदर एंड अ डॉटर. ठीक है, ये हमारा मेन आइडिया रियल कंसेप्ट है पोएम का. उसके लिए पोएट ने बहुत सारी चीजों को इंक्लूड किया है, जैसे स्प्रिंटिंग ट्रीज है, मैरिड चिल्ड्रन है, चाइल्डहुड एक है, लेट विंटर्स मून है. तो ये सब थ्रेड हैं, ये सब पार्ट्स हैं इस पोएम के. बट मेन आइडिया इज दैट शी वॉज फीलिंग पैथेटिक, शी वॉज नॉट फीलिंग गुड अबाउट हर मदर, एंड अफकोर्स शी डज नॉट वॉन्ट टू बी अवे फ्रॉम हर. लेकिन ये रियलिटी है लाइफ की कि ओल्ड एज के बाद डेथ जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है. लेट्स कम टू द पॉइंट एंड डिस्कस द क्वेश्चंस. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक्ट दैट द पॉइंट फील्स. जस्ट नाउ वी हैव रेड अबाउट इट दैट शी हैज फेल्ट अ फैमिलियर एक्ट. व्हाट वाज दैट एक्ट व्हिच शी हैड फेल्ट इन हर चाइल्डहुड. And that pain was because of her mother's old age, that her face is yellow, her face is pale, she looked colorless, and quite did not want to realize it that next time might be she will not look her mother again. So it was the pain, it was the act which quite felt. Next question. Why are the young trees described as sprinting? Young trees are described as sprinting as they were giving life, they were giving new idea to the poetess. When she looked outside,
she make the previous thought away, she make the old and I think that fearful thought away after looking trees, that I have to leave, I have to walk, I have to make survive without my mother also. So as these trees were sprinting, जैसे वो trees move कर रहे हैं वैसे ही जो है life में हमें भी move करना होता है. Next question, why has the poet brought in the image of the married children spilling out of their homes? क्यों poet ने इसका reference इसमें दिया, इनकी image इसमें की है. She brought in the image of married children, happy children and spilling out of their homes because children are of new generation, new ideas, happiness. So she also wants to think new ideas. She also want to go away but with happy mood. So she has given idea of married children, happy children. Because in her journey, whatever she will take, that journey will end one day, but with happy thought, with happy ideas, she has to survive. Next is, why has the mother been compared to the late winter's moon? Mother has been compared to the late winter's moon because as late winter's moon is pale and yellow, like that, the face of poetess was also lifeless, as ashen as corpse. Fifth question is, what do the parting words of the poet and her smiling smile signify? The parting words of the poet and her smile signifies that she wants to assure her mother that again she will meet her and she will not go anywhere from her life. वो अपनी मदर को अश्योर करा रही है कि वो दोबारा फिर से मिलेंगी और फिर से वो खुश होंगी, फिर से साथ रहेंगे और इसीलिए वो जाते हुए क्या करती हैं, सिर्फ स्माइल. और इसका यही सिग्निफिकेंस है दैट देयर जर्नी विल बी अगेन टुगेदर, इसलिए वो अपनी मदर की तरफ सिर्फ स्माइल करती हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो. इफ इट इज यूजफुल, it is knowledgeable for you, then like, subscribe and share this channel. Thanks for watching.